बिहार देश का वो राज्य है जो बाढ़ से परेशान रहता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर अपराध की बाढ़ आई हुई है। हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार और निधि श्री सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, ये घटना तकरीबन 15 घंटे हो चुके हैं, बीत चुकी है, अभी तक पुलिस के हाथ क्या कोई सूत्र लगा है कि हत्या क्यों की गई, किन हालातों में की गई, किस वजह से हत्या हुई, कोई सुराग लग पाया पुलिस को? कोई सुराग? ये दरअसल हुआ ये है निधि, कि अभी तक पुलिस के साथ में सामने में कोई साक्ष्य नहीं है क्या वजह है, क्योंकि पुलिस अभी खाली हाथ है। किसी को ये पता नहीं चला है कि अपराधी कहाँ से आए थे, क्या प्रोफेशनल अपराधी थे, क्या एक्चुअली अभी तक पता नहीं चल पाया है कि मोटिव क्या है और कितने लोग थे और किस चीज़ पर सवार थे। पर हाँ, ये ज़रूर है, मेरी जानकारी है कि इसकी मॉनिटरिंग काफ़ी उच्च स्तर पे हो रही है और यहाँ तक कि छपरा में भी पुलिस को तैनात किया गया है। छपरा में भी जो बड़े अधिकारी हैं DIG स्तर के, उन्हें भी लगाया गया इस काम पे। STF भी इस पर काम कर रही है और SIT गठित की गई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतने घंटे हो गए हैं, कल शाम 7 बजे से लेकर अभी 11 बज रहे हैं, अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पटना के सीनियर SP अभी कुछ देर पर आवाज से निकलने वाले लोगों ने पुलिस को कोई जानकारी दी है कि ये अपराध, ये जो घटना हुई है हत्या की, इसके पीछे कोई पारिवारिक कलह है, क्या इसके पीछे कोई प्रोफेशनल दुश्मनी है, या इसके पीछे कोई और तीसरी वजह है? कुछ परिवार के लोगों से जानकारी पुलिस को मिली है या आपको मिली है? जी देखिए, पुलिस अब तक जो है वो खंगालने की कोशिश में जुटी हुई है कि क्या कोई पारिवारिक कलह था या पुरानी दुश्मनी थी, क्या कुछ वजह थी। लेकिन आपको बता दें विकास, कि रुपेश छुट्टी पर थे और इसी संडे को गोवा से छुट्टी मनाकर लौटे थे और मंडे से उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी, और इस बीच में कोई जो जिन लोगों के साथ वो गए थे छुट्टी मनाने, उन लोगों से भी हमने बातचीत की, लेकिन कोई इस तरीके की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है कि क्या कोई पुरानी रंजिश थी या कोई उनका लगातार पीछा कर रहा था, क्या कोई धमकी दे रहा था, क्योंकि अभी इस वक्त यहाँ परिवार नहीं है। परिवार जो है वो छपरा जा चुका, और तीसरी मंजिल आप देख रहे हैं, इसी तीसरी मंजिल पर रुपेश कुमार अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ रहते थे। ये कहा जा रहा है कि उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता गाँव में थे, लेकिन अब जब घटना हुई है तो पूरे परिवार यहाँ से जो है वो छपरा जा चुका है। जी निधि, निधि हम प्रकाश का रुख करना चाहेंगे। प्रकाश, हो क्या रहा है बिहार में? 3 घटनाएं अभी तक सामने आ चुकी हैं पिछले 24 घंटे में। पहली घटना कल शाम को 7:15 बजे पटना में हुई, दूसरी घटना मधुबनी की है जहां पर मुखबधिर लड़की के साथ रेप हुआ, और तीसरी घटना हाजीपुर की है। हालांकि उनका भी वहां दफ्तर है आपदा विभाग का, लेकिन वो पुलिस मुख्यालय पहुंच जाते हैं और वहां पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, लेकिन DGP जो है वो एक बार भी मीडिया में आकर नहीं कहते हैं। बड़े अधिकारी जो है वो कभी भी कोई बात नहीं बताते। अब तक, अभी तक पुलिस वालों ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया है। ABP News, आपको रखे आगे।